पहले गरीबों को बनाने दी 14 झोपड़ियां, अब उजाड़ रहे आसियाना। इटावा जनपद के अहिरीपुर कस्बा दलालन मोहल्ला मस्जिद के पास में मुकुटपुर गांव के रास्ता के किनारे चकबंदी के दौरान बची भूमि को रास्ता में मिलाकर दर्ज किया गया था, जिसका गाटा संख्या 446, जिसमें करीब 300 मीटर की लंबाई और करीब 60 फीट चौड़ाई की भूमि रास्ता के नाम बची थी, जिस पर ग्रामीण बरसों से पशु बांध कर रह रहे थे। एक वर्ष पूर्व गरीबों के 14 परिवार लाली देवी, राजकुमारी, सुषमा देवी, मिथिलेश कुमारी, सुनीता, पिंकी देवी, ज्योति देवी, पान कुंवर, दिव्या, पूजा, लक्ष्मी देवी, गीता देवी, जरीना, रमन आदि परिवार ने झोपड़ी रख ली थी। बाद में प्रॉपर्टी डीलर ने प्लाटिंग के उद्देश्य से खेत खरीद लिया। प्रॉपर्टी डीलर आगे रास्ता पर प्लाटों में बिक्री करना चाहता है, जिससे प्रॉपर्टी डीलर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से साठगांठ कर स्थानीय व्यक्ति से अतिक्रमण हटाने की शिकायत की, जिसके बाद भरतना नायब तहसीलदार मनीष द्विवेदी और लेखपाल सुधीर चौबे तथा कुछ प्रॉपर्टी डीलर के लोगों के साथ पहुंचकर गरीबों के आसियाना फेंकने का आरोप महिलाओं ने लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि वर्षों से इस जगह पर हम लोग रह रहे हैं और करीब एक वर्ष पूर्व झोपड़ियां रखी गई थी, तब राजस्व विभाग ने क्यों नहीं रोका है? प्रॉपर्टी डीलर आया तब से ही क्यों यह लोग झोपड़ियां हटाने लगे हैं? जब खेत खरीदा ऊपर वाला तो ये जा चाह रहे हैं कि हम सड़क तक खेत मिला लें और इसमें प्लॉटिंग करे चाहते हैं, इसलिए वो गाड़ी गलौज करते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं यहाँ पे, जब कभी भी वो डेली धमकी देते हैं, आते हैं इधर। अभी उसका भाई आया था अंकित चक्का, वो भी गाली गलौज करके गया। किन लोगों ने तोड़ा? प्रशासन के आदमी लोगों ने तोड़ा कि प्रशासन के लोगों ने नहीं तोड़े, वो तो दूर खड़े होकर देखते रहे। तोड़ा किसने? ये ऊपर जिनके खेत है जे पास में, नहीं लोगों ने तोड़ा है। ये मड़ैया हम छोड़ गए हार में चले गए खाना पीना बनाए के, तो हम चले गए हार में पूरे दिन के लिए खाना पीना लेके, और इन लोगों ने आए के मड़ैया कसा देंगे आए के। किन लोग? कौन सा गांव है और कौन लोग आए थे? कौन लोग आए थे? नहीं, कितने सालों से आपकी झोपड़ी रखी है? हमें साल भर बस भाई जा रही है, रह रही है। इसके अलावा आपका कोई मकान और नहीं है? थोड़ी थोड़ी जगह है, थोड़ी थोड़ी। कोई आपको पहले नोटिस नहीं दिया गया? मेरे साहब मड़ैया रखी थी और साहब हम अपने आलू सालू खोदन चले गए, रामू के आलू खोद रहे थे, हम लोगों ने खाना पीना बनाया बुनू के चले गए, सब मड़ैया सब तोड़ फाड़ के आटा साटा मेरे। कौन लोग आए हुए थे ये कोई जानकारी है? अंकित आया था, बुट्टन, बुट्टन, राजू, डिम्पी। जी कौन लोग हैं? ठाकुर हैं साहब। ठाकुर ये यहाँ किस लिए तोड़ने आए हो? ये आपने खेत को खेत ला हुआ पीछे वालों ऊपर खेत के जा कह रहे हम ऐसी मार। ये ग्राम समाज की जगह है? ग्राम समाज की जगह, हम लोग कार्ड नहीं दे रहे, हम जा कह रहे हम अपने रहे कहाँ चौक पे चौका बने कहाँ मारे जूझे हैं जाए के हम बताओ। हम लोग खाना ना बना के सवेरे चले गए हैंगे और रामू के आलू खोद रहे हैं, सो इन लोगों ने मौका देखो, सो जिन लोगों ने मेरे बंगले अंगले सब फेंक दई हैंगे। इससे पहले मकान बंगला तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया आपको? जानकारी करी की गई थी? नहीं नहीं, मेरे इससे पहले कोई जानकारी नहीं, जानकारी दी। तो कौन सी जमीन है, क्या किस तरीके की जमीन है जिस पर आप लोग? ग्राम समाज की जमीन है। तो क्या मकसद था उनका तोड़ने का? उन खेत खरीदो है, वे सोच रहे हम यहाँ तक कब्जा कर लें, प्लॉटिंग करी है यहाँ तक कब्जा करेंगे कहीं। आपको क्या क्या सुनने में आया, कौन कौन आया था यहाँ पर? यहाँ आते ही नहीं, हम तो आलू खोदन गए थे लेकिन तोड़ दिया गया। हाँ, मौका दे के उन्हें टोद दे, हम लोग कोई नहीं थे बताओ, सब हमारा सामान सब बिथरो डरो है, हम लोगों को अभी जानकारी मिली। क्या ऐसी पूरी गृहस्थी का सामान सब उसी में? नाम ले।